हेलो एवरीवन वेलकम टू एमजी स्मार्ट क्लासेस हम कर रहे हैं डी साइंस चैप्टर नंबर टू फूड और आज की क्लास में हम करेंगे बैक एक्सरसाइज पार्ट ए बी एंड सी तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को सबसे पहले हम करेंगे पार्ट ए फिल इन द ब्लैंक्स फर्स्ट इज लिविंग ऑर्गेनिज नीड फूड टू लिविंग ऑर्गेनिज को फूड क्यों चाहिए होता है नंबर वन इज क्रो Living organ need food to grow and survive. Number two is vitamin A, D, E, and K are soluble in dash, whereas vitamin B and C are dash soluble. Means vitamin A, D, E, and K are soluble in fat. एंड वेयर एज विटाम बी एंड सी आर सोल्यूबल थर्ड इज द डेफिशियन द डाइट कॉज अ डिसीज कॉल्ड बेरी बेरी कौन सी किसकी कमी से हमें बेरी बेरी बीमारी हो सकती है इट इज द डेफिशिय विटामिन बी Vitamin K helps in dash of blood. It means, kis may help karta vitamin K? It is in the clotting of blood. Number 5 is the dietary fiber constitute. The dietary fiber constitute rough Now comes to the True false. Part B true false. Number one. Vitamin and minerals are bodybuilding foods. Vitamin or minerals ko bodybuilding foods kaha jata hai? No, wrong. They are called protective foods. So it is false. Our skin makes vitamin E in the presence of sunlight? No. It is vitamin D. So it is also false. नंबर थ्री इज डेफिशेंसी ऑफ फॉस्फोरस कैन लीड टू अनेमिया फॉस्फोरस की कमी से हमें अनेमिया अनेमिया होता है नो no. आयरन की कमी से हमें अनेमिया होता है सो इट ऑल्सो बी फॉल्स फोर्थ इज वी शुड ईट फूड डेट हैज ऑल इट्स असेंशियल कॉम्पोनेंट इन द राइट प्रोपोर्शन येस इट इज ट्रू क्या हमें uh, सभी कॉम्पोनेंट्स को ध्यान में रख के एक राइट right प्रोपोर्शन में सही मात्रा में हमें खाना खाना चाहिए बिल्कुल ऐसे ही हमें खाना खाना चाहिए एक बैलेंस डाइट लेनी चाहिए नंबर फाइव इज क्वाशियोरकर ऑकर्स ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ फैट इन द डाइट नो क्वाशियोरकर किस वजह से होता है इट ऑकर्स ड्यू टू द डेफिशिय ऑफ प्रोटीन सो इट इज ऑल्सो फॉल्स ओके नाउ कम्स टू द पार्ट सी टिक द करेक्ट ऑप्शन इसमें हमें चार ऑप्शन दिए हैं और हमें एक को टिक करना है ना फर्स्ट इज अ ड्रॉप ऑफ आइडीन सोल्यूशन वाज पुट ऑन द कट सरफेस ऑफ अ पोटैटो इट्स टर्न ब्लू ब्लैक इन कलर दिस इंडिकेट द दस ऑफ विटमिन प्रोटीन फैट और स्टार्च आइडीन सोल्यूशन कब यूज किया जाता है जब भी किसी खाने की चीज़ में हमें स्टार्च का पता लगाना है कि उसमें स्टार्च है कि नहीं है तब आयोडीन सॉल्यूशन यूज़ किया जाता है अगर उस खाने के अंदर आयोडीन सॉल्यूशन को डाला जाता है और वह और वो जो है ब्लू ब्लैक कलर का हो जाता है इट मीनस उस प्रोडक्ट में उस फूड प्रोडक्ट में स्टार्च है ओके यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पर देखिए टेस्ट ऑफ स्टार्च इसके लिए क्या लिया गया है आयडिन सोल्यूशन लिया गया है जिसमें कि आयर्डिन सोल्यूशन को जो जिस भी आपको खाने के ऊपर टेस्ट करना है आप वो मटेरियल लेंगे और वो फ्रूट फूड प्रोडक्ट लेंगे उसमें आयडिन सोल्यूशन डालेंगे एंड अगर वो ब्लू ब्लैक कलर का हो जाता है दैट मीन्स इट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च ठीक है तो हमारा आंसर होगा स्टार्च तो आयोडीन सॉल्यूशन यूज किया जाता है स्टार्च के प्रेजेंस को पता लगाने के लिए नंबर टू इज द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए इन डाइट ठीक है कॉज अ डिसीज विटामिन ए की डेफिशिएंसी से हमें कौन सी बीमारी होती है स्कर्वी रिकेट्स नाइट ब्लाइंडनेस बेरी इट इज नाइट ब्लाइंडनेस बर थ्री आयरन इज असेंशियल फॉर ग्रोथ ऑफ टीथ एंड बोन्स नो फॉर्मेशन ऑफ हिमोग्लोबिन फंक्शनिंग ऑफ द थार क्लैंड मेकिंग मसल स्ट्रॉन्ग इट इज फॉर्मेशन ऑफ हिमोग्लोबिन ओके क्योंकि आयरन जो आयरन का फंक्शन क्या पढ़ा था हमने कि वो खून बनाने में हिमोग्लोबिन की मात्रा को बढ़ाने में मदद करता है अ चाइल्ड हु हैज़ बोलैग इज सफरिंग फ्रॉम अ डेफिशंसी डिसीज नॉन एज यानी कि जिस बच्चे के बोलेग हैं तो वो कौन सी बीमारी से ग्रसित है वो कौन सी बीमारी है जो कि जिसमें बोलेग्स हो जाते हैं उसमें विटामिन uh, डी की डेफिशिएंसी से वो बीमारी होती है उसका नाम है रिकेट्स नाउ फिफ्थ इज द डेफिशिय प्रोटीन प्रोटीन की कमी से डाइट में प्रोटीन की कमी होने से कौन सी बीमारी होती है गोटर नो no. रिकेट्स नो no. अनेमिया, नो no. इट इज क्वाशियोरकर प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर नाम की बीमारी होती है तो चलिए आज की क्लास में हमने किया है पार्ट ए बी एंड सी बैक एक्सरसाइज और नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे पार्ट टी पार्ट डी जिसमें है छ क्वेश्चंस ओके okay. और ये करेंगे एंड देन नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे पार्ट ई e. तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में टिल देन टेक केयर अ नाइस डे बाय